अजीबोगरीब आदेश के बाद विवाद में घिरे पुणे के एमआईटी स्कूल के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद पुणे के शिक्षा उप संचालक की निगरानी में जांच कमेटी का गठन किया गया है। पुणे के एमआईटी स्कूल ने छात्राओं को एक खास रंग का इनरवेयर पहनने का फरमान जारी किया था। इसके खिलाफ छात्राओं के अभिभावकों ने भी प्रदर्शन किया था और इस विवाद के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एक अजीबोगरीब फरमान जिसे लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे अभिभावकों ने। पुणे के एमआईटी में जो अभिभावक और स्टूडेंट्स ने स्कूल के बारे में जो कंप्लेंट की है उसको लेकर आज पुणे के डिप्टी डायरेक्टर एक कमिटी स्कूल में भेज रहे हैं, जो पेरेंट्स को भी मिलेंगे, बच्चों को भी मिलेंगे और मैनेजमेंट को भी मिलेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके ऊपर शिक्षा विभाग आगे चलकर कार्रवाई करेगी। जो बच्चों ने कहा है और पेरेंट्स ने कहा है अगर वो सच है तो इस प्रकार की सख्ती कोई स्कूल कर नहीं सकती। अनुशासन तो होना चाहिए, लेकिन अनुशासन के नाम पर इस प्रकार की कड़ाई मैं मानता हूँ कि अनावश्यक है और इसलिए रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा विभाग इसमें अपनी कार्रवाई करेगी। अब इस पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या सफाई दी जा रही है वो भी सुनिए। एक सेफ्टी और डिसिप्लिन के बारे में अगर स्कूल बताता है तो उसमें ऐसे बहुत सारे नियम है जो कि हमको एक एक उन्होंने बताया कि बाइंडिंग है, भी एफिडेविट से उसके लिए उन्होंने आईपीसी की धाराएं लगाई जो कि एक डायरी, ये जो डायरी है स्कूल का वो हमने आज पहली बार ऐसा डायरी देखा जो कि मुझे एक लगता है ये डायरी है या मैं एक ऑफिशियल एक्ट या गैजेट पढ़ रही हूँ वो भी पता नहीं चल रहा है। उसमें नियर अबाउट 30 ऑफेंस भी है। बच्चों को मैं गैम्बलिंग क्या है, राइटिंग क्या है वो भी क्या बताऊँ। तो अजीबोगरीब फरमान और अब इस पूरे मामले की जाँच शुरू हो गई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।